दोस्तों, सिंगर केके का कोलकाता में कॉन्सर्ट के दौरान निधन हो गया। उन्हें परफॉर्मेंस के दौरान दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें फौरन CMRI हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई हस्तियों ने केके के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दरअसल मशहूर सिंगर केके कोलकाता के नजरुल मंच पर गुरुदास कॉलेज के फेस्टिवल में प्रस्तुति दे रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें फौरन CMRI हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक केके का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ये भी बताया जा रहा है कि केके दो दिन के कॉन्सर्ट के लिए कोलकाता आए हुए थे। उनका सोमवार को भी कॉन्सर्ट हुआ था। विवेकानंद कॉलेज में उन्होंने वो प्रोग्राम किया था, लेकिन दूसरे कॉन्सर्ट के दौरान ये हादसा हुआ। केके का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत है। केके 53 साल के थे। उन्होंने हिंदी में 200 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्म में भी गाने गाए हैं। केके के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। कई हस्तियों ने शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केके के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि केके के निधन से दुखी हूं। उनके गानों ने हर उम्र के लोगों के साथ कनेक्ट किया। उन्हें उनके गानों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। आपको अपने इस फेमस सिंगर का कौन सा गाना पसंद था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने इस फेवरेट सिंगर के लिए कमेंट सेक्शन में RIP लिखना ना भूलें।